सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन आपका क्या होता है। माइग्रेशन तो समझते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल सही, माइग्रेशन मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है या तो उसे फोर्स करके ठहरा जाए या तो किसी कारणवश जाए तो उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया जाएगा कि माइग्रेशन क्या होता, क्यों पीपल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भैया। आप जैसे एक और इसमें एग्जांपल दिया है कि कुछ लोग सोशल में ही मार्जिन करते हैं, तो मार्जिन मतलब समझते हैं, मतलब कि ये अंडरलाइन घीच देते हैं भैया इसके इधर ही आपको रहना, इसके इधर नहीं आना। जैसे आप लोग हम स्कूल के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए आपका स्कूल है और नहीं होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे मान लीजिए फिफ्थ वाले बच्चों के लिए अलग प्लेग्राउंड होता है, वन से फिफ्थ बच्चों के लिए, और जो बाकी फिफ्थ से लेकर आपके ट्वेल्थ तक होते हैं अलग प्लेग्राउंड होता है, जिन्हें बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल होता है। तो उसी प्रकार सोशल में हम लोग जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, ताकि क्यों, क्योंकि उनके कास्ट अलग होती है, उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी हाँ लैंग्वेज अलग होती है। तो कुल मिला जुलाकर हम लोग समझ गए ना कैसे मार्जिन कैसे करते हैं या माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है। माइग्रेशन क्या समझे कि अगर मान लीजिए कोई पीपल है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो हमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझाया गया कि कुछ बच्चे रहते हैं टीवी देखते रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भैया जो ये लोग बेसिकली क्या रहते हैं, ये लोग बेसिकली आदिवासी रहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश शहर में आप लोग क्या हो चुके रहते हैं, शिफ्ट हो चुके रहते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि टीवी में इन्हें इनके जो कल्चर को केवल हमेशा डांस ही करते हुए दिखाया जाता है। तो ये जो बच्ची रहती कहती अपने दादू से पूछे, दादू ऐसा क्यों, हमें लोग क्यों ऐसे कार्टून की तरह हमें दिखाते हैं या हमेशा केवल हमें डांस करते हुए दिखाते। तो इनके दादू कहते हैं क्योंकि बच्चों ये लोग नहीं जानते कि हम केवल डांस नहीं करते बल्कि हम और काम करते, जैसे हम अपने घर कैसे चलाते, जैसे हम यहाँ से लकड़ी दूसरे जगह पहुँचाते थे और हम अपना खेती वेती करते थे, ये सब हमें नहीं दिखाते, ये लोग केवल हमें फनी दिखाते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये अपने बात हिस्ट्री बताते हैं कि क्यों इन्हें बेसिकली अपने घर से बाहर आना पड़ा, जंगल से शहर क्यों शिफ्ट होना पड़ा। तो पहला रीज़न तो यही था कि ये लोग जंगल में रहते थे, तो जंगल में जानते कि पेड़ और टिम्बर चाहिए ही ताकि शहरों का प्रोडक्शन हो सके। मान लीजिए किसी का घर बनाना हो तो लकड़ी चाहिए कि नहीं, बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल चाहिए। और एक जगह से मान लीजिए कहीं मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जाना है, बीच में जंगल पड़ जाता तो उसे काटना पड़ता था, तो इन्हें लोगों को कहा जाता तो भैया आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो इस रीज़न थे कि भैया इन लोगों को हटाया गया कहाँ से, जंगल से। तो ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, ये लोग जंगल से शिफ्ट हो गए। और कुछ बातें थी कि मान लीजिए उस जगह बहुत ज़्यादा आयरन पाया गया, मतलब लोहा पाया जाता था, तो लोहा निकालने के लिए तो सब लोग को यहाँ से कह दिया भैया आप लोग यहाँ से हट जाइए, हम लोग यहाँ पर लोहा निकालेंगे, तो आप लोगों को क्या करते हैं हम इसके बदले क्या दे देते हैं, कुछ हम घर दे देंगे और क्या देंगे, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ उन्हें दिया गया नहीं, बल्कि वहाँ से लैंड से उन्हें भगा दिया गया, कई लोगों ने जोर ज़बरदस्ती करके भगा दिया। तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ पर्सन यहाँ से थे, मान लीजिए पर्सन व्यक्ति था, लेकिन यहाँ से जो इनके घर थे घर तोड़ ताड़ के जेसीबी से इनको बाहर भगा दिया गया, कहाँ से कहा गया चलिए यहाँ से निकल जाइए आप लोग, क्यों, क्योंकि इनके पास कोई लैंड जो था ना कोई एग्रीमेंट नहीं था, नहीं क्यों, क्योंकि ये लोग भैया आदिवासी थे, उन्हें इतना नॉलेज नहीं था कि भैया ये जो हमारा लैंड है तो इसका हमें कुछ कागज बनाना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर यही कारण था कि ये लोग कहाँ से, ये लोग बेसिकली जो शहर से सॉरी ये लोग बेसिकली आपके जो फॉरेस्ट से कहाँ आ गए, फॉरेस्ट से आकर कहाँ पर शिफ्ट हो गए, हाँ इस ये आपके रोड या शहर में आकर शिफ्ट हो गए, सिटी में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ से देखिए हमने क्या देखा, माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है कि जब कोई पर्सन है एक जगह रह रहा है लेकिन कुछ कारणवश दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए तो वही क्या होता है, वही माइग्रेशन होता है। ठीक है समझे। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली आदिवासी होते कौन थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आदिवासी मतलब होता है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट, मतलब कि माने जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या कहते हैं आदिवासी, मतलब आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर के क्या हैं, मूल निवासी हैं। उसी प्रकार जो जंगल में बेसिकली रहते थे पर्सन, वह वहाँ के क्या थे, वह वहाँ के मूल निवासी थे और उन्हें ही आदिवासी कहा जाता था। जैसे कि हमने ट्राइबल्स के बारे में पढ़े थे, तो ट्राइबल्स क्या होते हैं, ट्राइबल्स भी आपके एक आदिवासी ही टाइप के होते हैं।
तो जैसे बेसिकली आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर दिया कि कुछ स्टेट में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, इस तरह की स्टेट में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये लोग की खासियत क्या थी कि ये लोग अपने कल्चर को फॉलो करते थे। ये तो ना तो हिंदू मानते थे अपने आप को, ना मुस्लिम मानते थे, ना क्रिश्चियन मानते थे, बाकी बल्कि अपने ट्राइबल रिलीजन को फॉलो करते थे, मतलब कि अपने कल्चर को फॉलो करते थे, जैसे पहाड़ों को पूजना, रिवर की पूजा करना, एनिमल को भगवान मानना और लैंडस्केप की भी पूजा करना। कुल मिलाकर ये लोग क्या नेचर को ही क्या मान देते, ये बेसिकली नेचर को ही भगवान मानते। जैसे हम लोग हैं तो टेंपल में पूजा करने जाते थे, ये लोग टेंपल में नहीं बल्कि वहाँ के जितने एनिमल रहते थे, पेड़ पौधे को फॉलो करते थे। समझ में, आदिवासी क्या थे, कुछ आदिवासी कौन सी लैंग्वेज, बेसिकली ये लोग संस्कृत बोलते थे, जो कि ओल्ड संस्कृत होती थी। ठीक है, मतलब इस समय जब संस्कृत बोलते उसे नहीं बल्कि किसे बोलते थे, ओल्ड संस्कृत बोलते थे। समझ आया, बहुत आसान। अब तक तो आगे हम बात करते हैं कि आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, मतलब कि जो आदिवासी हैं बेसिकली वो लोग क्या करते थे, वो लोग बताइए आप लोग क्या करते थे। हाँ, वो लोग माना जाता भैया ये लोग बहुत पिछड़े पिछड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो पिछड़े नहीं थे बल्कि वे अपने कल्चर को भैया फॉलो करते थे ना, तो कल्चर को फॉलो करने का उनका अलग ढंग था। तो कुछ लोग सोचते थे भैया ये लोग तो भैया क्या नाम से बहुत पिछड़े हैं, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं, तो वो लोग भी अपनी जगह क्या थे, बताइए आप लोग, अपनी जगह बेसिकली सही थे। समझ में आया कि आदिवासी और स्टीरियोटाइप क्यों ऐसा मानते थे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं।